हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, क्या है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कर दी गई है। 23 जनवरी को घोषणा की गई थी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और आज 24 जनवरी है जब उनकी 100वीं जयंती है। तो ये 2 बार सीएम रह चुके हैं बिहार के, और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इनका पूरा इतिहास की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, और भारत रत्न होता क्या है उसकी भी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो वीडियो तो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको जो घोषणा की गई थी कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनकी 100वीं जयंती पर यह घोषणा की गई। और कब? 23 जनवरी, यानी आज इनके 24 जनवरी को जयंती है, तो एक दिन पहले ही ये घोषणा कर दी गई। ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत भी कई बार कर चुके हैं। तो आप देखो, ये सीएम कब से कब तक रहे? 1970 से और 1971 तक, लगभग कितने, ये 6 से 7 महीने यहाँ पर सीएम रहते हैं। और उसके बाद ये 1977 में और 1989 में लगभग 2 साल यहाँ पर सीएम रहते हैं। डिप्टी सीएम ये 1 बार रहे थे 1967 से 1968 के बीच में। अब देखा जाए 1940 में सिर्फ 5 लोग मैट्रिक पास थे, उनमें से एक कर्पूरी ठाकुर भी थे। यानी उस समय की बात हो रही है जब 1940 में केवल और केवल 5 लोग मैट्रिक पास थे। यदि देखा जाए तो समस्तीपुर के पितोझिया, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम से पर ही उस ग्राम का नाम कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। तो 1904 में सिर्फ एक व्यक्ति मैट्रिक पास था, आप लगा सकते हो 1904 में केवल एक व्यक्ति मैट्रिक पास था। 1934 में 2 व्यक्ति मैट्रिक पास होते हैं, और 1940 में 5 लोग मैट्रिक पास हो जाते हैं, जिनमें से एक कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। वे एक बार कहाँ पर जाते हैं? ऑस्ट्रिया पर जाते हैं मीटिंग के तहत। तो उस समय इनके पास कोई कोट तक भी नहीं था, तो इन्होंने अपने दोस्त से एक कोट मांगा। तो वो कोट भी कैसा था? फटा हुआ था। उस फटे हुए कोट को पहनकर ये वहां पर यूरोप के अंदर, ये ऑस्ट्रिया में चले जाते हैं। तो वहां पर एक मार्शल ने इनका फटा हुआ कोट देखा, तो उन्होंने अपने पैसे से गिफ्ट के तौर पर उनको नया कोट ला कर दिया। तब जाके वो उस मीटिंग में भाग लिए। तो उनके पास इतना, मतलब सीएम होते हुए भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि कोट भी ले सके। अब देखा जाए तो इनको जननायक कहा जाता है, क्योंकि इनके काम ही कुछ ऐसे थे, सारा बताएंगे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिथोजिया, जो अब कर्पूरी ग्राम है, वहां पर इनका जन्म होता है। 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और 1952 के बाद ये जितनी बार भी लड़े ये एक भी चुनाव नहीं हारे, ये भी एक रिकॉर्ड है। 1967 में पहली बार ये डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनते हैं, और अंग्रेजी की अनिवार्यता को बनते के साथ उन्होंने क्या खत्म कर दिया कि जरूरी नहीं है आप अंग्रेजी में बात करो, आप अंग्रेजी में पढ़ाई करो। ये पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को, 2 बार सीएम बन चुके हैं और 1 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब देखो, कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में होता है 24 जनवरी को समस्तीपुर में। उनका निधन कब होता है? 1988 में इनका निधन हो जाता है। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, यानी ये कांग्रेस की बिना सपोर्ट के मुख्यमंत्री वहां पर बने थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव लड़ा। देखा जाए आगे, यदि इनके फैसलों की बात करें कि इन्होंने क्या क्या फैसले लिए हैं, तो उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में मिसाल बने। सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, यानी ओबीसी को उन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, और उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया गया, मतलब उन्होंने मुफ्त कर दिया, पढ़ाई मुफ्त पढ़ाई जाएगी बिहार के बच्चों को। बिहार में सामाजिक न्याय का मसीहा इनको माने जाने लगा। इन्होंने उर्दू को बिहार की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दे दिया। इन्होंने पिछड़े ही नहीं, जो अगाड़ी वर्ग के लोग होते हैं उनको भी 3% का आरक्षण दिया था इन्होंने, कर्पूरी ठाकुर ने। स्वतंत्रता का संघर्ष हो या जेपी आंदोलन हो, इन्होंने आगे बढ़कर हर आंदोलन में भाग लिया था। देखा जाए, कर्पूरी ठाकुर पहली बार ओबीसी को आरक्षण देते हैं। पीछे बताया आप लोग को, 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने, ये इम्पोर्टेंट है, ये पक्का एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, कि इन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन का भी गठन किया था। ये मुंगेरी लाल कमीशन किससे संबंधित है? ये पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है, ये ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य में मैट्रिक पढ़ाई मुफ्त कर दी गई, पीछे बताया आप लोगों को। दूसरी, उर्दू भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया।
1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये सब चीजें मैं पीछे भी बता चुका हूँ आप लोगों को। गैर लाभकारी जमीन पर माल गुजारी टैक्स को बंद कर दिया गया, मतलब यदि आपके पास ऐसी जमीन है जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा, वो जमीन आपको कमा के नहीं दे रही, तो आप उस पर टैक्स नहीं ले सकते। इन्होंने ये काम भी किया। जो आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग के जनरल कैटेगरी के लोग हैं और महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कर दिया गया, आरक्षण का प्रावधान भी कर दिया गया। ठीक है, आप देखो भारत रत्न होता है क्या, सबसे पहले ये देख लो। तो भारत रत्न की जो शुरुआत होती है तो सबसे पहले होती है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में 1954 में भारत रत्न को संपादित किया जाता है, यानी भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, 1954 में होती है, और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। इससे ऊपर भारत का कोई भी ऐसा पुरस्कार नहीं है जो भारत रत्न से ऊपर हो, सब नीचे ही आते हैं। तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत का, ये ध्यान रखना। जो पहला भारत रत्न पुरस्कार है 1954 में तीन लोगों को दिया गया था एक साथ, तो कौन कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वैज्ञानिक जो काफी ज्यादा फेमस भी रह चुके हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको दिया गया था पहली बार 1954 में एक साथ दिया गया था। उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरने के बाद यानी मरण उपरांत क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उससे पहले मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाता था, और ना ही ये प्रावधान था कि मरणोपरांत क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी और पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने जिनको 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखना। अब देखा जाए सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, और ये पहले क्रिकेटर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, और अभी तक किसी भी क्रिकेटर को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। और सबसे कम उम्र के व्यक्ति यदि पूछा जाए कौन है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो वो सचिन तेंदुलकर ही हैं। उसके बाद आते हैं गफ्फार, इनका पूरा नाम क्या है, खान अब्दुल गफ्फार जी, तो इनको भी भारत रत्न पुरस्कार मिले थे। इनको माना जाता है ये पहले विदेशी नागरिक थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ लेना, ये भारत में ही थे, भारत में ही जन्म हुआ था उस समय जब विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको माना जाता है कि भारत के भी हैं, और कभी कभी माना जाता है भारत के भी नहीं। यदि ऑप्शन में ये इनका नाम आ जाता है कि किस विदेशी व्यक्ति को पहला पुरस्कार मिला भारत रत्न, तो इनको लगाया जाएगा। यदि इनका नाम नहीं आता तो उसके बाद आता है नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला माने जाते हैं कि हाँ पहले विदेशी व्यक्ति हैं, क्योंकि इनका नाता भारत से दूर दूर तक भी नहीं था। तो नेल्सन मंडेला पहले ऐसे विदेशी थे जिनको क्या मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था, कब, 1990 में। और ये भी ध्यान रखना 1993 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अब आगे चलते हैं, तो यदि देखा जाए तो भारत रत्न पुरस्कार के जो अभी लेटेस्ट पुरस्कार मिला है किस किस को मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला है, जो नानाजी देशमुख हैं जो समाज सेवी रह चुके हैं उनको मिल चुका है, और जो गायक है भूपेन हजारिका, इनको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और यदि ये भी देखा जाए भारत रत्न पुरस्कार करने वाली जो महिलाएं हैं इंदिरा गांधी के बाद, वो कौन कौन है, तो लता मंगेशकर भी है, उसके बाद देखा जाए अरुणा आसफ अली भी है, और उसके बाद देखा जाए तो सुबू लक्ष्मी जी भी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखना। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।